इस वीडियो के अंदर हम जो हैं वो क्रिएट करना चाहते हैं इसे एक पॉलीगन लायर जो है, एक एडिशनल लायर जो है इसके साथ और क्रिएट करना चाहते हैं। उसके लिए क्या है, हमने पिछले केस में मैंने आपको रिक्वेस्ट किया था इस फाइल को गो थ्रू करने के लिए, ताकि आप इसको डिटेल में अंडरस्टैंड कर सको और आप अपने प्रोजेक्ट के लिए इस फाइल को, या फिर सिटीज और CSV फाइल, या फिर इंडियन स्टेट और जैसन फाइल को इसको प्रोजेक्ट में यूज़ करना चाहते हो, तो ये डाउनलोडेबल फाइल है। मैं इसके लिए आपको लिंक जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा, जहाँ से आप इन फाइल्स को जो है वो अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करने के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, एक पॉलीगन लेयर जो है वो इसके ऊपर क्रिएट करनी है, जो मेरा बेस मैप है। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने एक ये फ्रीचर ग्रुप क्रिएट किया था, तो एक लेयर को क्रिएट किया, लेयर ऐड करने के लिए बेस मैप के ऊपर, जो कि मार्कर थे। उसी तरह से मैं क्या करता हूँ, एक और फीचर ग्रुप क्रिएट करता हूँ, जिसके थ्रू मैं ये पॉलीगन लेयर जो है वो ऐड करता हूँ। फीचर ग्रुप पॉलीगन FGP इसका नाम रख लिया मैंने, इसे इक्वल टू से वॉल्यूम डॉट फीचर ग्रुप, और मुझे इसको कोई नाम देना होगा, से नेम इक्वल टू, और मैं इसको कुछ भी नाम दे देता हूँ अभी फॉर द टाइम बीइंग, से पॉली। और उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा FGP डॉट एड चाइल्ड, और एड चाइल्ड के अंदर मैंने लिखा यहाँ पे, अब मुझे क्या करना है, जियो जैसन फीचर यूज़ करना है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इसका वॉल्यूम का, तो ड्रा द पॉलीगन, सो फॉर दैट आई विल, इसके लिए मैंने लिखा यहाँ पे वॉल्यूम डॉट जियो जियो जैसन, और इसको जो है वो मुझे आर्गुमेंट पास करना। अब मुझे उस फाइल को ओपन करना है, सो मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ उसे डाटा, और मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ से ओपन फंक्शन पाइथन का, और इसके अंदर जो है वो मैं फाइल का नाम देता हूँ, और मेरे केस में फाइल का नाम है से इंडिया अंडरस्कोर स्टेट्स डॉट जसन के। और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया मैप डॉट एड चाइल्ड FGP। सेव कर दिया इसको, और इसके बाद मैं यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करके देखता हूँ CLS, और द मॉड्यूल नेम जियो जेस वॉल्यूम हैज़ नो एट्रीब्यूट जियो जेसन। अगर मैं यहाँ पे देखूँ इसको, जियो दिस इज डी आई आर वॉल्यूम वॉल्यूम जियो जेसन, ओके ओके नॉट इस जियो जेसन, जियो जेसन, ओके सेव द चेंजेस, एग्जीक्यूट करो इसके फिर से। नाउ इस बार जो है इसने मुझे एरर दिया यहाँ पे, इस फाइल को मुझे ओपन करना है रीड मोड में, और इसके लिए मुझे एक इनकोडिंग यूज़ करना है। इसे मैं इसको ओपन करता हूँ, सो मुझे अगला आर्गुमेंट पास करना है इसको रीड मोड में, इसको ओपन करना है, और इसके साथ मुझे एक और आर्गुमेंट इसको पास करना है, इसे इनकोडिंग इक्वल टू से, मैं इसको इनकोडिंग दे देता हूँ UTF-8 से। और सेव किया मैंने इसको फिर से, और यहाँ पे फिर से इसको एग्जीक्यूट करते हैं,
अब जो है वो मुझे ये एरर आ रहा है, सो मुझे इसके साथ जो है वो एडिशनल एक और मेथड जो है वो यहाँ पे ओपन करना पड़ेगा, दैट इज डॉट रीड। ओके सो सेव किया चेंजेस को, और उसके बाद इसको फिर से एग्जीक्यूट किया, सो इट्स वर्किंग, सो नो एरर। सो अब हम ब्राउज़र में जाएंगे और यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश करेंगे। सो दिस इज पॉलीगन इज एडर्ड। अगर आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे पॉलीगन्स हमारी ऐड हो गई, यानी कि इंडिया का जो स्टेट्स थी या टेरिटरीज थी या वो जो है वो यहाँ पे हम देख सकते हैं वो मार्क हो गई हैं यहाँ पे। ओके सो दैट्स डन। सो इस तरीके से जो है वो हमने एक और जो जैसन लेयर जो है, एक टेरिटरी लेयर जो है वो हमने अपने बेस मैप के अंदर जो है वो ऐड कर दिया। सो अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, इसको कलरिंग करके देखेंगे, हम लोग इसको कलरफुल मैप कैसे क्रिएट करते हैं वो हम लोग लर्न करेंगे।